स्मृति ईरानी ने इनको हराया भी और एक प्रकार से वहाँ से भगाया भी, और ये भाग करके वायनाड गए। वायनाड से भी स्मृति ईरानी लगातार पोजीशन है, सांप छछूंदर जैसी पोजीशन है कि जैसे एक बिल्ली किसी पे दौड़ रही हो, ये पोजीशन है स्मृति ईरानी की। अगर देखा जाए तो दिल्ली की बिल्ली यही है, और ये भाग रहे हैं, ये चूहे हो गए, वायनाड से भी भगे, यहाँ से भागना, वहाँ से जाना हुआ, तो ये उनकी घबराहट है। उसको कैश जो कराना है, श्रीनिवासन कराना है, ये इस समय वहाँ के बिल्कुल उनके किचन के कप बन गए। एक्चुअली में क्या है कि महिला विरोध का कांग्रेस का शुरू से एक एजेंडा टाइप करा, हर जगह महिलाओं को इन्होंने वो किया। आपने देखा होगा महिला आरक्षण के लिए कहा गया, मगर महिला आरक्षण को कभी भी इन्होंने पार्लियामेंट में होने नहीं दिया। मोदी जी एक समय हुआ और महिला आरक्षण की स्मृति ईरानी ने सबसे ज़्यादा फाइट की। जब वो सांसद थी तब भी आप समझ ले, जब गुजरात से चुन करके भेजी गई थी राज्यसभा में, तब भी उन्होंने महिला आरक्षण की आवाज़ उठाई थी। तो महिलाओं की एक बहुत सशक्त लीडर के रूप में इस समय स्मृति ईरानी उभर रही हैं। ये सब जिस तरह का ये एक्ट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की उसमें बदनामी होगी, और कांग्रेस का अगर जहाज डूबा तो इनकी वजह से। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि कांग्रेस के एक नेता बीवी श्रीनिवास द्वारा एक बेहद ही शर्मनाक टिप्पणी की गई, और ये टिप्पणी उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर की, जहां पर वो उन्हें डायन तो कभी ये कहते नजर आए कि महंगाई के डायन को बेडरूम तक ले जाने का काम मैंने किया है। और इस तरीके के बयान के बाद लगातार आपको बता दें कि रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। आलम ऐसा है कि अपने ऊपर की गई इस टिप्पणी को लेकर स्मृति ईरानी द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा गया। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। तो सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। तो सर, इस वक्त जो है कांग्रेस के जो नेता है बीवी श्रीनिवास, सबसे पहले बात करेंगे कि उन्होंने जो टिप्पणी की है स्मृति ईरानी को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उनकी मजबूरी है श्रीनिवासन जी की। श्रीनिवासन जी एक युवक कांग्रेस के लीडर थे, तो उनको क्या होता है जब वो कुछ बोल देते हैं, सोनिया और राहुल जी के ऊपर तकलीफ है तो उनके नंबर बढ़ जाते हैं। तो इनकी शुरू से आदत रही। मैं आपको बताना हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, गांधी को ईडी ने बुलाया, तो ईडी में जब पूछताछ के लिए बुलाया गया 26 जुलाई 2022 को, तो भी श्रीनिवासन जी ने क्या किया, जानबूझ के पुलिस वाले से भिड़ गए, कुछ बोल दिया, और बड़े हिंदी में जो जुबान है इधर उत्तर भारत की और खासतौर पश्चिम उत्तर प्रदेश की, उस शब्द जो हैं उन्होंने मुहावरे वाले कह दिए। तो पुलिस वाले ने क्या किया, इनके बाल खील लिए, उस समय कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुप रहे, आवाज़ नहीं निकली उनकी। उसके बाद सोनिया जी ने इनको वो कर दिया। अब क्या है कि इनका सोनिया जी से और राहुल के वो नंबर बढ़ाने के लिए ये इस तरह से बोल देते हैं। और तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है, जो केंद्रीय मंत्री जो है महिला है, महिला के ऊपर इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर ऐसा शर्मनाक बयान जो है वो नंबर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, आपको बताना, चूंकि इनकी बैकग्राउंड ये रही है, क्रिकेट के अच्छे प्लेयर थे और क्रिकेट में ये विकेट कीपर थे। विकेट कीपर कभी भी न फास्ट बॉल फेंक पाता, न ही गुगली फेंक पाता, कभी भी विकेट कीपर बॉलर नहीं होता, ये विकेट कीपर थे। बैट्समैन भी अच्छे थे, चूंकि मैं इनको जानता हूँ। तो श्रीनिवासन जी को अब क्या है, ये गुगली फेंकने लगे, फास्ट बॉल फेंकने लगे, तो आपको मालूम नहीं है, अच्छे क्रिकेट के जो एक्सपर्ट कोच समझाते हैं कि बॉल मत फेंकना, चूंकि उसमें बॉल आती कैच करना होता है, अगर तुम बॉल फेंकोगे तो हाथ उखड़ जाएगा। तो ये पोजीशन है इनको। अभी इन्होंने क्या किया, ऐसे एक बहुत बहुत वरिष्ठ पत्रकार के लिए उल्टा सीधा बोल दिया, मुकदमा दायर कर दिया। तो ये ला के मास्टर नहीं है, ये सिर्फ सोनिया जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को, ये सिर्फ वो करने के लिए। स्मृति ईरानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि जुबान जो है सिर्फ जो है इनकी है, बीवी श्रीनिवासन की है, लेकिन संस्कार जो है संस्कार सोनिया गांधी के, और शब्द जो है वो राहुल गांधी के हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे उसमें अभी मीटिंग हुई, जब खड़गे जी के यहाँ, वहाँ भी बात चली। ये स्क्रिप्टिंग जो है ये दो तीन लोगों की, एक मध्य प्रदेश का काफ़ी बुजुर्ग लीडर है, उसके घर से पत्रकार भी हैं, उनकी और इनकी स्क्रिप्ट थी। वास्तव में जुबान इनकी है और राहुल गांधी ने जी ने जो बोला और सोनिया जी के संस्कार हैं, तो बिल्कुल उन्होंने सही बात बोला। और आपको बता रहे हैं, बांसुरी जी ने जो कहा है
उन्होंने भी बिल्कुल सही कहा है कि वास्तव में इस तरह का नहीं होना चाहिए और ये अमेठी की हार का तो आपको बतलाना है कि तकलीफ राहुल जी को तकलीफ होने की बात है। हालात वो सोचते होंगे कितनी कलथन होगी कि अमेठी के चुनाव हार गए थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से बातें कही जा रही है, जैसे कि सुषमा स्वराज की बेटी ने भी कहा कि अमेठी में जो हार थी उस हार को कांग्रेस अभी भी नहीं भुला पाई और इस वजह से बौखलाहट इतनी ज्यादा है, किस तरीके की बयानबाजी कर रही है? देखिए ऐसा है कि उनका घर था अमेठी, अमेठी से बेचारे हार गए तो एक दुख तो बात है। ये वायनाड से उनकी सदस्यता चल गई, कश्मीर में अब उन्होंने बताया कश्मीरी ब्राह्मण है तो कश्मीर से भी चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं है, तो उनके सामने समीक्षा न घर से भी चले गए और मतलब उधर जो कश्मीर है वहाँ से चले गए, तो सब जगह चले गए तो आदमी को वो होगी, घबराहट भी होगी, बौखलाहट भी होगी। तो घर के ना रहें और तुम कुछ कह नहीं सकते, ना ही दिल्ली के रहें ना सदन के रहें और उधर इंग्लैंड के भी नहीं रहे, कश्मीर के भी नहीं रहे, तो उनके अंदर घबराहट है। मगर उनको घबराहट कम हो रही है, श्रीनिवासन जी को ज़्यादा घबराहट हो रही है, उनको हौंकन लगती है, उनके पेट में दर्द होता है तो बेचारे वो सब उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से श्रीनिवास द्वारा ये बयान दिया गया है, ऐसे में कांग्रेस को उनके ऊपर खुद से एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि एक महिला के ऊपर सार्वजनिक तौर पर इतना आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं? देखिए कांग्रेस इसलिए एक्शन नहीं लेके, कांग्रेस की ये फितरत में रहा है, उनके खून में रहा, उनके डीएनए में रहा। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता दे रहा हूँ, कांग्रेस में जिस समय इंदिरा गांधी थी तो उनको लोग गुंगी गुड़िया कह देते थे, पार्लियामेंट के अंदर कह देते थे, और जिस समय लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय भी गुंगी गुड़िया कहे, मगर गुंगी गुड़िया उनको कहना ठीक नहीं था, वो इतनी चालाक थी। तो इनके यहाँ इस चीज़ का प्रश्रय, इसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इनके असम के एक मंत्री थे कृषि मंत्री, उनका नाम था नीलमणि सेन, उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए इतना गंदा गंदा वर्ड बोला था कि हम कुछ कह नहीं सकते, इन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद में पता ये चला कि वो राहुल गांधी के बहुत खास थे, प्रियंका के, राहुल और प्रियंका जी उनको बहुत मानती थी। दूसरे इनके एक और थे शशांक भाड़गो, अभी 2020 में, वो भी राहुल के सबसे खास थे, प्रियंका के, वो भी स्मृति ईरानी के बोल दे। तो सर एक बात बताइए कि ये कहा जा रहा है लगातार कि कांग्रेस जिस तरीके से बयान दिया जा रहा है श्रीनिवास के द्वारा और कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे रखे, ये इनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, चूंकि स्मृति ईरानी ने इनको हराया भी और एक प्रकार से वहाँ से भगाया भी और ये भाग करके वायनाड गए, वायनाड से भी स्मृति ईरानी लगातार पोजीशन है, सांप छछूंदर जैसी पोजीशन है कि जैसे एक बिल्ली किसी पे दौड़ रही हो, ये पोजीशन है स्मृति ईरानी की। अगर देखा जाए तो दिल्ली की बिल्ली यही है और ये भाग रहे हैं, ये चूहे हो गए, वायनाड से भी भागे, यहाँ से भागना, वहाँ से जाना हुआ, तो ये उनकी घबराहट है। उसको कैश जो कराना है, श्रीनिवासन कराना है, ये इस समय वहाँ के बिल्कुल उनके किचन के कप बन गए। एक्चुअली में क्या है कि महिला विरोध का कांग्रेस का शुरू से एक एजेंडा टाइप का रहा, हर जगह महिलाओं को इन्होंने वो किया, आपने देखा होगा महिला आरक्षण के लिए कहा गया मगर महिला आरक्षण को कभी भी इन्होंने पार्लियामेंट में होने नहीं दिया। मोदी जी एक समय हुआ महिला आरक्षण की स्मृति ईरानी ने सबसे ज़्यादा फाइट की, जब वो सांसद थी तब भी आप समझ ले, जब गुजरात से चुन करके भेजी गई थी राज्यसभा में तब भी उन्होंने महिला आरक्षण की आवाज़ उठाई थी। तो महिलाओं की एक बहुत सशक्त लीडर के रूप में इस समय स्मृति ईरानी उभर रही। दूसरा, स्मृति ईरानी कई जगह राहुल गांधी को बिल्कुल से चुनावी उसमें या राजनीति में दाब रही हैं और राहुल गांधी वहां से सिमटते जा रहे हैं, भागते। जैसे कि आप बात कर रहे हैं अमेठी के, अब अमेठी में इतने साल तक जो है राहुल गांधी जीते रहे, लेकिन जब से स्मृति ईरानी आई तो उन्होंने राहुल गांधी का पत्ता साफ कर दिया और कहीं ना कहीं ये जो बयानबाजी हो रही है उसी वजह से ही हो रही है। एक्चुअली में बयानबाजी की यही वजह है, चूँकि स्मृति ईरानी हर जगह इनको मात दे रही हैं और स्मृति ईरानी इतनी फास्ट उस पर हैं कि इनको राहुल को ये अपना अस्तित्व और दूसरा कांग्रेस पे वो लग रहा। तो मेन वजह है कि राहुल के साथ प्रियंका के भी पीछे स्मृति ईरानी है। रायबरेली में सोनिया जी का स्मृति ईरानी जबरदस्त विरोध कर रही, आज रायबरेली में स्मृति ईरानी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये सोचते हैं कि अगर हम प्रियंका को लाएंगे तो प्रियंका भी अमेठी में उनसे कमज़ोर पड़ेंगी। और जिस तरह से रायबरेली आसपास के जिलों सुल्तानपुर इन सब जगह अगले ने पैड बना लिए, अपने मंत्रिमंडल के दौरान काम किया है, इतने कम समय में स्मृति ईरानी के पीछे, जबकि ये एक प्रधानमंत्री के बेटे हैं राहुल गांधी, ये सब जिस तरह का ये एक्ट कर रहे हैं,
तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की उसमें बदनामी होगी, और कांग्रेस का अगर जहाज डूबा तो इनकी वजह से, कि ये युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और यही पोजीशन सन 75-77 में हुई थी, 84 में युवक कांग्रेस के गलत अध्यक्ष बना देने से कांग्रेस की बदनामी हुई थी, कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। भोला पांडे कांड में यही हुआ था, ऐसे अतुत्साही व्यक्ति ने जहाज का अपहरण कर लिया था और कांग्रेस की बदनामी हुई थी, वही पोजिशन आज हो रही। तो श्रीनिवासन के जो एक्ट हैं वो आपको बताना, ये कांग्रेस की लुटिया डुबो देंगे, और ये जो ये सावरकर वाला शब्द ये इन्हीं का दिया हुआ है, तो कांग्रेस के हित में है कि इनको जितनी जल्दी हटा लें, वही कांग्रेस के हित में इनको निकाल बाहर करें, तो एक देश के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, उनकी पार्टी का भी अच्छा होगा। तो जैसे कि आपने सुना कि अजय पत्रकार जी ने बताया कि स्मृति ईरानी को मेनली टारगेट करने के पीछे जो कारण है वो अमेठी है, और लगातार इस तरीके से ट्वीट भी की जा रही है कि अमेठी की हार को अभी तक कांग्रेस नहीं पचा पाई है, और यही कारण है कि कांग्रेस का इस तरीके से नेता सार्वजनिक तौर पर एक महिला के लिए इस तरीके से शर्मनाक शब्दों का, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कांग्रेस चुपचाप बैठ के सब कुछ देखती रहती है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है इस पर आपने ये चर्चा सुनी है, और इस पूरी चर्चा पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।